तेरे जिस्म जो पहला पार्ट था वो कंट्रोवर्शियल हो गया, जबकि हमने ऐसा कुछ चाहा नहीं था उसके अंदर, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हमको डाउट था कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, और हो गई। तेरे जिस्म टू बनाने की यही वजह थी कि बेसिकली जो भी वो इमेज एक तेरे जिस्म मन में सेट किया था हमने, उसको थोड़ा एक लेवल ऊपर लेके जाना था हमें, और ये बताना था कि कोई कंट्रोवर्शियल फैक्टर हमें इसमें क्रिएट नहीं करना है, हमें प्योरली फ्रॉम द गुड ऑडियो और वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छे एक्टर्स के साथ एक वीडियो बनाना है। पहले में भी अच्छे एक्टर्स थे, इसमें भी हमने उससे और अच्छे एक्टर्स के साथ करने की पूरी हमने ट्राई करी है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो है ऑडियो पॉइंट ऑफ व्यू एंड वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा तेरे जैसे मन से ज़्यादा पसंद आएगा। इसमें कोई चुनाव वाली कोई पॉलिटिकल कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका चुनाव करने की हमको ज़रूरत पड़ी, लेकिन लेकिन हाँ जो हम लोगों ने सिलेक्शन किया वो म्यूज़िक लेबल का काफ़ी एक बड़ा हाथ होता है हर एक चीज़ को डिसाइड करने में। तो जब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये पार्ट टू बनाया जाए तो किसको लिया जाए, तो ये एक जॉइंट डिसीजन था बिटवीन द म्यूज़िक लेबल एंड हमारे बीच में एक जॉइंट डिसीजन हुआ कि एली लुक्स लाइक अ गाय हु कैन बेसिकली पुल दिस ऑफ, एंड कंगना वी नीडेड अ वेरी हॉट ब्यूटिफुल लुकिंग काइंड ऑफ अ गर्ल हु कैन पुल इट ऑफ। सिर्फ शक्लों की ज़रूरत नहीं होती है, शक्लों के साथ उस चीज़ को जस्टिस देने की बहुत ज़रूरत होती है, गाने को और परफॉर्मेंस को। आपको ऐसा देख के लगना चाहिए कि हाँ ये वो दो कैरेक्टर हैं जो इसको पुल ऑफ कर सकते हैं। एक लड़की को भी देख कर ऐसा लगना चाहिए कि ये लड़का मुझे चाहिए लाइफ में, और द सेम थिंग हैपन्स विद द बॉय कि लड़की को देख कर ऐसा लगे कि हाँ मुझे चाहिए ये। तो वो केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी थी और वो लुक बहुत ज़रूरी था, और जैसे आपने वीडियो में देखा कि बोथ ऑफ देम हैव जस्टिफाइड इट टू द कंप्लीट लेवल। अच्छा, पहले आपसे जानना चाहेंगे कितना वर्क करना पड़ा स्पेशली केमिस्ट्री के लिए आप दोनों से? आई थिंक ज़्यादा नहीं, हमने ये एक दिन में पूरा शूट ख़त्म कर दिया था, एंड आई थिंक जैसे डायरेक्ट किया असलम ने बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया, हमें एक एक सीन से पहले समझा रहे थे और हम दोनों जाके शूट कर रहे थे, एंड केमिस्ट्री अच्छी रही एंड वो दिख रहा है, वो निकल आई, काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी मेले काफ़ी डिफरेंट था, जो मैंने लास्ट सॉन्ग किया था उसके बाद ही काफ़ी डिफरेंट था दूसरे सॉन्ग में, एंड कहीं ना कहीं हाथ थोड़ा सा मेरे को अजीब डर था अंदर अंदर की, पता नहीं क्या होगा कैसा आएगा, मैं बहुत घबराया हुआ था, बट इट्स लुकिंग रियली नाइस, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत क्लीन दिख रहा है। आई थिंक अगर जिस हिसाब से इसको बनाया गया है, जो कहानी पोर्ट्रे की गई है, जो दिखाई गई है, वो प्रॉपर स्टोरी पे ही जाता है वो, तो आई थिंक इट्स जस्ट गाना जो चल रहा है उसकी स्टोरी दिख रही है, सो इट्स ब्यूटीफुल, मुझे तो अच्छा लगा। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं? केमिस्ट्री के बारे में कैसी एक्सपीरियंस रहा ओके एली के साथ? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग फॉर मी, बिकॉज एज यू नो दैट आई हैव डन बिफोर ऑल्सो अ बोल्ड सब्जेक्ट, तो वो कुछ नहीं था। बट हाँ, एक होता है कि आप किसी पर्टिकुलर नए लोगों के साथ काम करते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा एक झिझक होती है, मतलब थोड़े से इंटीमेट सीन करने में या फिर कुछ उस तरीके का करने में, लेकिन एली ने बहुत कंफर्टेबल फील कराया, और ऊपर से हमारे डायरेक्टर साहब असलम खान, और ऊपर से गाने में अल्ताफ सैयद जी, तो सब कुछ अच्छा रहा, और केमिस्ट्री आप लोगों को दिख रही है, एंड आई थिंक पीपल शुड लाइक इट एंड दे आर लविंग इट, सो लेट्स सी आफ्टर रिलीजिंग द सॉन्ग। आई थिंक मुझे लगता नहीं कि कुछ उसमें ऐसा कुछ बोल्ड था कि जिसमें मैं घबरा जाऊँ, क्योंकि उतना कुछ नहीं था। जैसा शूट करते हो तो मुझे समझ भी नहीं आया था कि ऐसा सब हो रहा है, ये तो जिस हिसाब से शूट किया गया दिख रहा है, शूट करते बहुत नॉर्मल था, बहुत हंसी मजाक में बहुत अच्छे से हम शूट कर रहे थे, एंड हमने बहुत जल्दी ये पार्ट जो लास्ट का है वो ख़त्म भी कर दिया था, एंड आई थिंक उतना कुछ बोल्ड नहीं कि जिसमें मैं पहले घबराया हूँ या कुछ हो, क्योंकि गाना पूरा डिफरेंट है स्टार्टिंग से एंड तक, एंड एंड में थोड़े से इट्स जस्ट अ नॉर्मल इंटीमेट सीन, जो आई थिंक आजकल टीवी पे एक सीरियल में भी आप देखोगे, हर सीरियल में इतने सीन तो आते ही हैं, लाइक अब मैं गले मिल रहा हूँ, नेक पे किस कर रहा हूँ, इट्स अ नॉर्मल थिंग, कोई भी करता है अब लोग, नो इट्स ऑन टीवी आल्सो, लाइक सब करते हैं, आजकल टीवी में भी चलता है, तो एंड आई थिंक मूवीज में तो इससे भी बहुत बड़ा सब कुछ होता है, तो आई थिंक अगर लोग वो भी एक्सेप्ट करते हैं तो इट्स नॉर्मल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिफरेंट लोग थे, डिफरेंट गाना था, वो सब कुछ
पूरी केमिस्ट्री अच्छी थी, उनका अपना सीन था। तो हमारा जो गाना इनने जो मुझे सुनाया तो मैं सुन के बोला कि मेरी को बहुत अच्छा लगा मुझे गाना, और मैंने बोला कि हाँ मैं करूँ। एंड आई थिंक वीडियो एक साइड एंड गाना जितना स्ट्रॉन्ग हो उससे ओवर पावरफुल बन जाता है बेस। एंड आई थिंक गाना इतना अच्छा है तो मना करना बनता नहीं। हाँ जी, गाने का सिलेक्शन सबसे पहले मैंने गाना ही सुना था, और जो इनके पिछले वीडियो की बात है मुझे तो वो भी बहुत पसंद आया था, और उसका गाना भी और जो उन्होंने पिक्चराइज़ किया था वो भी बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने जब इनका गाना सुना अल्ताफ सर का, तो मुझे वो एक जैसे महेश भट्ट का अभी जैसे फिल्मों में आता है वैसा मुझे सॉन्ग लगा वो सुन के। तो फिर गाना सुनते ही मैंने इनको बोल दिया था कि या दिस इज़ रियली गुड एंड इट्स गोना बी रियली गुड। तो यस, अल्ताफ सर गाने की काफ़ी तारीफ हो गई, जैसे हमने भी देखा कि बहुत अच्छे लिरिक्स हैं, थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसे कोलैबोरेशन? एक्चुअली हम तेरे जिस्म का भी हमने ही किया था, टोटल म्यूजिक सेम टीम है, बस इस बार हमने ये सोचा कि उसी गाने को मतलब उसी कंसेप्ट को सिचुएशन को और मनी बेटर करते हैं मनी म्यूजिकली। तो फिर से हमने अल्ताफ एंड मनी हम लोगों ने मिलके म्यूज़िक किया, मैंने फिर से गाया और आनंद जी ने लिरिक्स लिखे इसके, और मैं मानता हूँ कि पहले सॉन्ग से काफ़ी बेटर ये सॉन्ग हुआ है। मतलब पहला भी अच्छा था लेकिन ये और भी मतलब इंटरेस्टिंग हुआ है, और वीडियो भी इतना अच्छा बनाया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। तो वी आर हैप्पी। सर इसके बाद क्या होने वाला है, व्हाट इज नेक्स्ट?